नमस्कार। तो लास्ट क्लास में जो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 9.3 रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जब कभी ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर ये सब के बारे में तो बता दिए, लेकिन ये पॉइंट वाला भी कल बताए थे, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 9.3 जो है, आप लोग एक लाइन खींचिए कितने का, 9.3 का, ठीक है, ए बी, समझे, ए बी एक लाइन खींचिए कितने का, 9.3 सेंटीमीटर का मान लीजिए, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर का इसको खींच लेते हैं। अब बी से जो है, बी से 1 सेंटीमीटर और हम लोग आगे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे, ठीक, उसको मान लेंगे हम लोग सी, ठीक, 9.3 सेंटीमीटर हम लोग इसको ले लिए और 1 सेंटीमीटर और आगे हम लोग बढ़ा दिए उसको, उस पॉइंट को ले लिए, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिए हम लोग सी, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, इस एसी का क्या करेंगे, मिड पॉइंट। हमारा ए बी कितने का है, जो अगर शुरू से देखेगा तो उसको सब कुछ समझ में आएगा, है ना, बीच में आप आगे बढ़ा करके मत देखेगा वीडियो। ए बी है 9.3 यूनिट, 9.3 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक, और ये 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे। एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले भी बचपन में सिखाया गया, सिक्स क्लास में इसको बाइसेक्ट किया जाता है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपास आपके पास है ना, तो कंपास को यहां पर रखिए, पेंसिल, जो पेंसिल है वो इसका आधा से ज्यादा लेना है ना, क्या करना है, पेंसिल को आधा से ज्यादा पर रखना है, यहां पर इस पॉइंट पर रखना है, और ऊपर कट करना है, ऊपर इधर कट करना है और नीचे कट करना है, ठीक है ना, नीचे कट करना है, और उसी तरह इधर से भी ऊपर कट करना है और नीचे कट करना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ऊपर नीचे कट हो जाएगा फिर इसको आप डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक, डॉटेड लाइन से जो मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा, देखिए ऊपर नीचे कट करने का, जैसे यहां से आधा ज्यादा लिए, ऊपर कट किए और नीचे कट किए, नीचे कट किए, फिर उसके बाद यहां से जो है ऊपर कट किए, उसी वाले कट वाले पे उतना ही लेकर के, कम ज्यादा नहीं करेंगे, सी से फिर हम लोग उतना ही लेकर के यहां से भी उतना लेकर के ऊपर कट किए, फिर हम लोग नीचे कट किए और फिर दोनों को मिला देंगे। इसको करने आता है ना आपको, हाफ हाफ पार्ट में ये मतलब की हो गया, अभी हाफ हाफ पार्ट में हो गया तो ये सेंटर हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा, ये सेंटर ओ, अब इतना रेडियस लेकर के, ओ रेडियस लेकर के फिर यहां पर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक, सेमी सर्कल बनाएंगे। अब ये जो सेमी सर्कल बनाएंगे, यहां से आपको बी से जो है क्या करना है, एक लाइन खींच देना है इस सेमी सर्कल पे, ये पॉइंट का नाम दे देना है डी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी, बात समझे। अब ये जो डी हुआ, यही जो बीडी है, यही आपका 9.3 यूनिट है, रूट अंडर 9.3 है ये, ठीक। अब नंबर लाइन को इसे आगे बढ़ा दीजिए और यहां पे इसको इतना का रेडियस लीजिए, बी सेंटर लेकर के इतना रेडियस लेकर के इसको ऐसे डॉट 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 करके यहां पर लाइन खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 9.3, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये जीरो अगर है तो ये रूट अंडर 9.3 होगा, बस समझे। ये होता कैसे है, ये कैसे रूट अंडर 9.3 ये वाला आया बीडी, हमको पता है कि यहां से एक लाइन अगर खींच देंगे इसको ओडी, तो ये जो ओडी बीडी क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओबीडी, ओबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ओबीडी क्या होगा, जो आपका ओबी का स्क्वायर है, सॉरी बीडी का स्क्वायर आप निकालिए, बीडी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, है कि नहीं, और ओडी क्या था,
ओडी क्या है, ओडी क्या है? अरे भाई ये एसी का हाफ है, ओए ओबी सॉरी ओए ओसी और ओडी तीनों बराबर हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना। तो आपको पता है सर्कल सर्कल ये सर्कल क्या होता है, यहां सेंटर है, उस सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सारे रेडियस तो बराबर होते हैं ना, सारे रेडियस बराबर होते हैं। तो ये हमारा सेंटर है ओ, अब यहां पर ये ओए और ये सी है और ये डी है कि नहीं, ये सी है ना और ये डी है। तो हमारा ओए और ओसी और ओडी तीनों तो बराबर ही होंगे, सर्कल का हाफ लिया है, सर्कल का इतना ही पार्ट लिया है, नीचे वाला पार्ट को नहीं लिया, यहाँ सर्कल का सेमी सेमी पार्ट लिया है, सेमी सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ओए ओसी और ओडी तीनों तो बराबर होंगे, यही ओए ओसी और ओडी तीनों बराबर हैं। तो अब यहां पर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, ओबीडी, ओबीडी जो ट्रायंगल बनाए, ये एंगल एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर आपको बीडी स्क्वायर निकालना है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, है ना। तो ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है बीडी और ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो वही चीज है, ये ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, उसी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो है बीडी स्क्वायर निकाले, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये ओडी स्क्वायर में से ये ओबी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये ओडी है क्या, ओडी क्या है, जितना ओए है जितना ओसी है उतना ही तो ओडी भी है। तो ये ओडी निकालने के लिए हमको ओसी निकालना पड़ेगा, ओसी क्या है, तो ओसी है क्या 9.3 प्लस 1/2 है कि नहीं, तो उतना ही हमारा ओडी भी होगा। तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9.3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नाइन ये ए बी 9.3 था और बी सी था 1, तो ए सी कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1 होगा ना भाई। आप देखिए ध्यान से देखिए, ए से लेकर के बी तक 9.3 है समझिएगा, और बी से लेकर के सी तक 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल ए से लेकर के सी तक जो है 9.3 प्लस 1 होगा ना, और हमारा ये इसका सेंटर है ओ, तो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी लीजिए या फिर ओडी लीजिए बात बराबर है, तो ओ सी क्या हो जाएगा इस पूरे ए सी का हाफ, तो ए सी कितना था 9.3 प्लस 1 उसका हाफ, तो यही हमारा ओडी भी है कि नहीं, माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ बी कितना है, तो ओ बी कितना है, तो ये है हमारा ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक कितना है 9.3 उसका हाफ, ये ओ सी उसमें से 1 माइनस करना है, मतलब 9.3 प्लस 1/2 ठीक, पूरा 9.3 ए सी, ए सी जो है पूरा 9.3 सॉरी सॉरी ए बी, मतलब ए सी का हाफ है ना हमारा ओ सी, तो ए सी का हाफ ओ सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी कितना हुआ 9.3 प्लस 1, और ओ सी क्या हो गया, ओ सी करना है तो 9.3 प्लस 1/2 भाई इसका हाफ, तो 9.3 प्लस 1 ये पूरा उसका हाफ, तो उतना अपॉन में इतना अपॉन में 2 है कि नहीं, और उसमें से क्या करना है हमको, ये 1 को माइनस करेंगे तब जाकर के ओ भी मिलेगा। सुनो समझो, पहले ए सी, ए सी का हाफ ओ सी, तो ए सी, ए सी कितना है 9.3 प्लस 1 उसका हाफ ओ सी यानी कि अपॉन में 2, समझिए ये समझ गया ना। तो फिर उसके बाद जो है उस हाफ में से हमको ये 1 को माइनस करना है, तो 9.3 प्लस 1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, बस समझे, इसका होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9.3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9.3 प्लस 1/2 माइनस 2/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9.3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9.3, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो 9.3 माइनस 1/2 उसका होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ये 4,
दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 9.3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9.3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको हम कल वाले क्लास में बताए थे कि x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर ये होता है 4 इंटू एक्स इंटू ए, यानी 4x। तो वही चीज है यहां पर, क्या हो जाएगा 4 इंटू 9.3 इंटू ये 1 अपॉन में 4 एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वही है ना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वही यहां पर भी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 9.3 इंटू 1। ये फॉर्मूला कल हम लोग डिराइव किए थे, जिसको अगर नहीं पता होगा तो कल वाला उसमें से देख लेगा, नहीं तो आपको बता भी देते हैं, बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये ए स्क्वायर। अभी इस माइनस से इस पूरे वाले में इंटू करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस से इसमें इंटू कर देंगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 2ax और माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये माइनस था ये प्लस था कट गया, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 2ax और प्लस 2ax क्या हो गया 4ax हो गया ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि 4 से 4 कट गया, क्या बचा 9.3, यानी कि जो हमारा जो बी डी स्क्वायर ऊपर से हम लोग बी डी स्क्वायर निकालते आ रहे थे, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.3, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 9.3 है कि नहीं। तो ये जो हमारा जो बी डी है ये कितना रेडियस है रूट अंडर 9.3। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर अरे मतलब कि आर्क ड्रॉ कर दिए यहाँ इस पे, तो ये हो गया हमारा रूट अंडर 9.3, ठीक है समझे, यही है। तो इसको आप लोग बनाइए, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर समझे। तो रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट के लॉज क्या हैं, तो आप लोग जानते हैं ए टू द पावर एक्स पढ़े होंगे बचपन में इंटू बी ए टू द पावर वाई, इसको हम लोग क्या करते हैं ए टू द पावर एक्स प्लस वाई कर देते हैं, करते हैं ना, है कि नहीं। उसी तरह जब क्या होता है ये जब भी कभी इंटू रहेगा बेस सेम रहेगा तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है, और उसी तरह बेस अगर सेम रहेगा और डिवाइड में है ए टू द पावर एक्स अपॉन में ए टू द पावर वाई, फिर से लिख देते हैं ए टू द पावर एक्स अपॉन में ए टू द पावर वाई, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, है कि नहीं समझे। तो यही है, और तीसरा है ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स, अगर पावर सेम है और दोनों अलग अलग बेस हैं तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को इंटू कर देंगे और पावर एक्स कर देंगे, ए इंटू बी होल पावर एक्स, है कि नहीं। उसी तरह डिवाइड में भी ए टू द पावर एक्स अपॉन में बी टू द पावर एक्स, दोनों का पावर सेम है ना लेकिन नंबर अलग अलग है, जो हमारा जो बेस है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, याद रखिएगा ये जो है ए ये बेस है और ये जो है ना ये पावर है, तो ए टू द पावर एक्स अपॉन में बी टू द पावर एक्स, तो ए अपॉन में बी होल पावर एक्स समझे, ए अपॉन में बी होल पावर एक्स यही है। तो ये होगा, फिर पांचवा है जैसे आप कभी अगर ऐसा लिखते हैं वन अपॉन में ए टू द पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स, और छठवां है ए टू द पावर अगर जीरो होगा तो वो हो जाएगा वन समझे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा वन। तो ये सब है रूल्स, अब आप लोग इसको इन सब रूल्स का आप यूज करेंगे तब जाकर के आपका ये
1.6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कोई एक आध क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 3, ठीक है, तो दोनों का बेस तो सेम है। इसको हम लोग जैसे ये जो है ना, जैसे 2 to the power 2 by 3 है, तो ये जो 2 है इसको क्या बोलेंगे, इस 2 को बोलेंगे बेस, ठीक है, और ये जो 2 by 3 है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, समझे, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसका बेस तो सेम है 2, इन दोनों का बेस जो है सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे, 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 3, समझे, 2 by 3 plus 1 by 3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 3 हो गया, ये 2 plus 1 3 by 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, यानी कि 2 to the power 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2, समझे। करना क्या है, जैसे इनटू है तो पावर को प्लस कर देना है, तो 2 by 3 plus 1 by 3 आप तो जानते ही हैं, एलसीएम ले लेंगे 3, 2 plus 1 हो जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 2 हो गया हमारा आंसर, 2 का पावर 1 हो गया, यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि क्या हो गया, 2 ही ना होगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है 3 to the power 1 by 5 और होल पावर 4, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में शायद आपको हम ये फॉर्मूला बताए नहीं, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो सब लिखना भी है, जैसे आपको इसके बगल में लिख देना है a to the power x into a to the power y = a to the power x plus y, समझे, ऐसे करके लिखना भी है, फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसको लिखना भी है। अच्छा, एक और फॉर्मूला था सातवां, a to the power x whole power y, तो ये क्या हो जाएगा, a to the power x into y, ठीक है, दोनों इंटू हो जाएगा, x और y दोनों पावर जो है इंटू हो जाएंगे, x a to the power x है, होल पावर y है, तो a to the power x into y हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, 3 to the power 1 by 5 है, होल पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 3 का पावर 1 by 5 into 4, यानी कि 3 का पावर 4 upon 5, समझे, 3 का पावर 4 upon 5 होगी, समझे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह आपका ये सब जो है ना, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन एक और है, जैसे ये 7 to the power 1 by 5 थर्ड क्वेश्चन है इसका, और ये 7 to the power 1 by 3, तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को डिवाइड में तो पावर को माइनस कर देंगे, तो 7 to the power 1 by 5 minus 1 by 3, अब ये 7 to the power क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए 5 और 3 का 15, और ये 3 बन जा 3 minus 5 बन जा 5, यानी कि 3 minus 5, ठीक है। अब ये सब तो आप लोग को करने आना चाहिए, 3 minus 5 हो जाएगा -2 upon 15, तो आंसर हो गया 7 to the power -2 by 15। अब ये माइनस में पावर है ना, तो इसको प्लस में कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखने के लिए जब नेगेटिव पावर रहता है तो 1 upon ये आप ऐसा लिख सकते हैं 7 to the power 2 by 15, ठीक है, 1 upon में करके उसको उसका जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो 1 by 7 to the power 2 by 15, समझे, ऐसे करके, तो ऐसे ही है। अब एक और एग्जांपल है, इसमें एक और एग्जांपल दिया है 13 to the power 1 by 5 into 17 to the power 1 by 5, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, 13 into 17 करेंगे, होल पावर 1 by 5 कर देंगे। फॉर्मूला जो यूज किया जा रहा है उसको लिख दीजिए, a to the power x into b to the power x = 8, ये इंटू है ना, इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, a into b whole power x, है कि नहीं, तो 13 into 17 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 221 होगा और होल पावर 1 by 5, समझे, तो ऐसे करके इसको बनाइएगा। तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, आपका जो ये 1.6 है, फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही करना है, 64 to the power 1 by 2 है, तो क्या करेंगे इसको, 32 to the power 1 by 5, 125 to the power 1 by 3, अब इसको हम एक सिंपल सा बताते हैं, बहुत सिंपली, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा ये,
जैसे ये लिखा है 64 टू द पावर 1 बाई 2। अच्छा, इसको करने के लिए जानते हैं इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 2 से 32 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, 2 से फिर ये 8 टाइम्स, फिर 2 से ये 4 टाइम्स, फिर 2 से ये 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये ट्रिपलेट डबलेट बना रहा है, मतलब पेयर, ये भी डबल पेयर बना रहा है और ये भी डबल बना रहा है, पेयर बना रहा है। तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 है ना, तो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8, क्या ये 8 का स्क्वायर नहीं है? 64 जो है 8 का स्क्वायर है कि नहीं भाई? इन ये दो पेयर हैं, ये दो मिला करके एक पेयर हो गया, ये दो मिला करके एक पेयर हो गया, ये दो मिला करके एक पेयर हो गया, ऐसे पेयर पेयर पेयर, ये मतलब कि ये ऐसे करके ये क्या हो गया, 2, इसमें से एक 2 निकल गया बाहर, इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, तो 2 × 2 = 4 × 8, 8 to the power 8 का स्क्वायर, ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर होता है ना, है कि नहीं, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, होल पावर 1/2, ठीक। तो क्या 8 का स्क्वायर होल पावर 1/2, तो पावर को इंटू करेंगे तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8, ये हो गया हमारा आंसर, है कि नहीं, ठीक। अब ये 32 to the power 1/5 है, इसको क्या करेंगे, 32 का यहां पर हम निकाले थे तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 32 का, ये 64 को आप छोड़ दीजिए, तो ये 32 का 2 5 टाइम्स है, तो ये 32 को हम लोग 2 का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं भाई, 32 जो है 32 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, है कि नहीं, तो 5 × 2 × 2 है तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, होल पावर ये 1/5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का पावर 1, है कि नहीं, तो ये तो वैसे ही 125 to the power 1/3 है। अब 125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा 25 टाइम्स, और ये 5 से ही है, 5 टाइम्स, 5 से ही 1 टाइम्स, ये जो 125 है ना, ये 5 का क्यूब है, समझे, तो 125 को अपॉन होल पावर 1/3 है, तो इसको हम लोग 5 का क्यूब और होल पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। सब लोग इसको देख देख करके सिर्फ छापेगा नहीं, इसको क्या पहले हम समझा रहे हैं क्या, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए फिर हम उसको समझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर ये 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ये 5 का पावर 1, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही आपको क्या करना है, आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन करना है ना, तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आप देखेंगे कि नीचे में क्या है, 2, नीचे में 2 है, तो आप ये देखें कि 9 जो है किसका स्क्वायर है, 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का होल स्क्वायर और होल पावर 2 3/2। अब ये भी अलग अलग क्वेश्चन है, अब इसको भी बताना पड़ेगा। अब जैसे सेकंड का फर्स्ट है, 9 to the power ये 3/2 है, तो 9 to the power 3/2 इसका, ये 9 किसका स्क्वायर है, ये देखिए नीचे में 2 है, तो 9 को हमको किसी का स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 × 3 = 9, तो 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर जिसको कुछ नहीं समझ में आता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा, और निकाल करके फिर उसके बाद फिर लिख देगा, स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिख देगा, 3 पावर 1 लिखना है तो 3 पावर लिख देगा, 4 पावर 1 लिखना है तो 4 पावर 1 लिख देगा, है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2, तो 3 to the power 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 3 का पावर ये 3 है ना भाई, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये आंसर हो जाएगा, समझे। अब एक जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, दूसरा वाला जैसे 32 to the power 2/5 है, तो आप 32 को, अरे ये वैसे ही है, 32 क्या है, 2 का पावर 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 = 4 हो जाएगा, बनाइए। फिर उसी तरह तीसरा वाला क्वेश्चन है, 16 to the power 3/4, आपको पता ही है 16 क्या है, 2 का पावर 4 है, जब आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 का पावर 4 आएगा, तो 4 से वो नीचे वाला 4 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 3 जो कि 8 हो जाएगा। उसी तरह 125 to the power -1/3, अभी इसका तो हम लोग अभी किए थे, ये क्या है, 5 का क्यूब है इंटू -1/3,
थ्री से थ्री कटेगा, पच जाएगा फाइव का पावर माइनस वन, फाइव का पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन में फाइव हो जाएगा, है कि नहीं? यही है आंसर, इस तरीके से बनाना है। अभी सिंप्लीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन, वैसे ही अभी तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताएगी, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताए ना ये सब क्वेश्चन को, अब इसको बनाइए अपने से, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.6 पूरा चैप्टर, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर आप लोग भेजिएगा, फिर उसको बताया जाएगा, है ना? ओके, थैंक यू, नमस्कार।